श्रीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने के कबाब। रात को 2 कटोरी चने मैंने पानी में भिंगो दिए थे। अब उसे प्रेशर कुकर में स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल के 2 सीटी दे लेंगे। अब कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल के 4 से 5 लहसुन की कलियां काट के और 1 हरी मिर्च काट के अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे और इसे करीब 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हमारे प्याज लाल नहीं हो जाते। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें 3 बड़ी चम्मच बेसन डाली है। हम इसे करीब 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, जब तक कि हमारी बेसन लाल नहीं हो जाती। जब बेसन लाल हो जाए, उसके बाद हमने जो चने पकाए थे उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से करीब 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि वो अपना पूरा पानी नहीं छोड़ देते। जब चने पूरी तरीके से यहाँ पानी छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें। यहाँ पे आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पुदीना का पाउडर 1 छोटी चम्मच इसमें डाल दिया है और इसे 5 से 10 मिनट तक फिर से अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम मिक्सी में 1/2 कप धनिया, 2 लहसुन की कलियां और 2 चम्मच काजू पेस्ट या काजू पाउडर इसमें डाल देंगे और जो मसाला हमारा ठंडा होने हमने रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें पीस लेंगे। पीसने के बाद हम अपने हाथों पे तेल लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद अपने कबाब को शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल किया है शेप देने के लिए। उसके बाद हम पैन में 1 छोटी चम्मच घी लगा के अपने कबाब को अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। यहाँ पे आप इसको तल भी सकते हैं। दोनों तरफ से सेकने के बाद हमारे काले चने के कबाब तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।